कहीं से कोई कमी नहीं की गई शादी में, जो भी लोग 50 लाख बोले थे। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच अब जो भी शायद रिश्ता था वो सिर्फ घर तक नहीं बल्कि पूरे यूपी बिहार में घर घर तक फैल चुकी है और हर जगह यही चर्चा हो रही है। ऐसा क्या हुआ जिसे दोनों हमेशा के लिए अलग होने जा रहे हैं और तलाक ले रहे हैं। हालांकि एक तरफ पवन सिंह ने चुपचाप तलाक की अर्जी दे दी थी, लेकिन दूसरी तरफ ज्योति सिंह ने पवन सिंह के ऊपर काफी सारे आरोप लगाते हुए एक बड़ा आरोप और लगा डाला कि पवन सिंह ने दहेज में शादी के वक्त लगभग 50 लाख रुपए की दहेज की डिमांड की थी। जब पवन सिंह के ससुर ने उनके ऊपर ही आरोप लगाया है कि 50 लाख रुपए पवन सिंह ने दहेज के समय डिमांड की थी। लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो कोर्ट में साबित हो ही जाएगा। लेकिन इससे पहले पवन सिंह को इसी हफ्ते बलिया कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पवन सिंह शूटिंग के दौरान घायल हो गए, जिसकी वजह से देवरिया कोर्ट में पवन सिंह हाजिर नहीं हो पाए, जिसकी वजह एक बार फिर से अगली तारीख दी गई है पवन सिंह को। और शायद वो तारीख आखिरी होने वाली है जब फरवरी 2023 में पवन सिंह को एक बार फिर से बलिया कोर्ट में बुलाया गया है। और इसी में सब कुछ साफ हो जाएगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहेंगे या फिर हमेशा के लिए अलग होंगे। वैसे इन दिनों सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह की बहुत सारी स्टोरीज पवन सिंह के गाने पर दिखी जा रही है और फैंस भी लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर से हमेशा के लिए एक हो जाएं और ये तलाक भी रुक जाए। वैसे आप सभी का क्या कुछ कहना है, क्या है रिएक्शन आप सभी का, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो फिलहाल इतना ही।